मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ टू प्लान अ बजट ट्रिप टू जयपुर। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए, जैसे कि आप कहाँ पे स्टे कर सकते हो, कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो इन जयपुर, एंड आपको क्या क्या खाना ट्राई करना चाहिए वहाँ पे। एंड आई होप दिस वीडियो मेक्स यू टेम्प्ट एवरीथिंग दैट आई हैड इन जयपुर, एंड आई होप दिस डजंट टर्न इनटू अ फूड ब्लॉग। बट यस, एंड उसके बाद मैं आपको ये सारे प्लेसेस भी बताऊंगी कहाँ पे आपको विजिट करना चाहिए एंड कौन से प्लेसेस ऐसे हैं जो आप स्किप कर सकते हो इफ यू आर ऑन अ बजट। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते कि आप जयपुर कैसे पहुंच सकते हो। मैं एक्चुअली जयपुर गई थी बाय फ्लाइट एंड मैंने अपने टिकट 1 to 2 months पहले बुक कर ली थी, बट सुपर इनएक्सपेंसिव ऑप्शन इज गोइंग बाय ट्रेन। एंड एक्चुअली जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा गई थी, मैं ट्रेन से गई थी एंड हमने अपने मैक्सिमम पैसे ट्रेन में ही बचाए थे क्योंकि इट इज अ वेरी इनएक्सपेंसिव ऑप्शन। मूविंग फॉरवर्ड टू माई स्टे इन जयपुर, अभी जयपुर में मैं रही थी इन दिस होटल कॉल्ड फोर्ट चंद्रगुप्त। अभी दिस प्रॉपर्टी इज सो सो ब्यूटिफुल गाइज, आपको ऐसा लगेगा यू हैव एंटर्ड अ महल, अ पैलेस, सो सो प्रिटी एट द सेम टाइम। एंड और भी दो होटल्स है जो मैंने सेम बजट में आप लोग के लिए देख के रखे हैं, विच इज उम्मेद भवन एंड निर्वाणा पैलेस। तो मेरा जो होटल था उसका मुझे प्राइस पड़ा था 1500 और 1800 पर पर्सन फॉर 3 nights, विच इज एन एक्सट्रीमली अमेजिंग डील। बट आई वुड रेकमेंड कि अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो गो स्टॉप्स करके एक हॉस्टल भी है या जोस्टल, वहां पे भी आप रह सकते हो। मैंने ये ऑप्शन डेफिनेटली देख के रखा था क्योंकि मैंने सोचा था अगर मैं फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी तो आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू स्टे इन अ हॉस्टल। डे वन इन जयपुर, जयपुर में फर्स्ट डे मुझे कवर करना था हवा महल, विच इज दिस रियली ब्यूटिफुल पैलेस। अभी हवा महल का पूरा व्यू आपको मिलता है फ्रॉम दिस कैफे जो उसके एग्जैक्टली सामने लोकेटेड है, विच इज विंड व्यू कैफे एंड टाटू कैफे। मैं गई थी विंड व्यू कैफे तो मैंने वहां पे ऑर्डर किया था फ्राइज एंड कोल्ड कॉफी, विच वॉज नॉट द बेस्ट दैट आई हैड, बट अगर आपको एक बहुत ही अमेजिंग व्यू आपको पूरे हवा महल का वहां पे मिल जाएगा। अभी जो मेरा होटल था वॉज ऑलमोस्ट 10 to 15 minutes एट अ डिस्टेंस फ्रॉम हवा महल एंड अदर प्लेसेस एज वेल। सो मैं ट्रैवल करती थी बाय टुक टुक एवरी सिंगल डे, बट आपको टुक टुक में जाने से पहले आई वुड एडवाइज कि आपको डेफिनेटली चेक करने चाहिए प्राइजेस, जो ओला के प्राइसेस है प्लीज कंपेयर कर लेना एक बार क्योंकि कभी कभी ओला में कम रेट्स आते हैं। ऑटो रिक्शा वाले आपको काफी ज्यादा चार्ज करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली यू आर टूरिस्ट देयर एंड यू विल हैव टू बार्गेन अ लॉट विद देम। अभी हवा महल देखने के बाद मैं गई थी सिटी पैलेस। अभी सिटी पैलेस इज वन प्लेस यू शुडंट मिस एट ऑल इफ यू आर इन जयपुर। सो जब आप सिटी पैलेस पहुंचोगे वहां पे एंट्री फी है 130 rupees, विच इज फॉर ऑल देयर टूरिस्ट, बट मैंने जो लिया था वॉज देयर रॉयल टूर विच कॉस्टेड मी अ लॉट ऑफ मनी, बट आई रियली वॉन्टेड टू सी द ब्लू रूम विच इज द मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस यू विल एवर फाइंड। बट इफ यू आर ऑन अ बजट आई वुड आस्क यू नॉट टू टेक दिस रॉयल टूर बिकॉज इट इज सुपर सुपर एक्सपेंसिव। बट अगर आप रॉयल टूर लेते हो तो यू गेट अ गाइड विथ योर सेल्फ एंड ये जो गाइड्स थे दे आर द बेस्ट फोटोग्राफर्स दैट यू विल मीट इन जयपुर। दे हैव क्लिक्ड सच ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑफ माइन एंड आई कुडंट बिलीव इट एक्चुअली कि उनकी फोटोग्राफी स्किल्स आर सो सो नाइस। सो इफ यू आर अ कॉन्टेंट क्रिएटर और इफ यू लाइक टेकिंग पिक्चर्स आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टेकिंग द रॉयल टूर बिकॉज इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट आई हैव सीन। सिटी पैलेस जा रहे हो, चौकी थानी जा रहे हो, वहां पे आप ऐसे थोड़े पॉप कलर्स पहनो जैसे कि येलो, ब्लू, पिंक एंड ऐसे कलर्स बहुत प्रिटी लगेंगे एंड आपके पिक्चर्स भी बहुत ज्यादा प्यारे आएंगे। सो जब आप सिटी पैलेस के बाहर आओगे तभी ही वहां पे जोहरी बाजार है, बापू बाजार है, सो यू कैन ऑल्सो कवर इट इन अ डे।
But I decided that I wanted to go to Choki Dhani, which is actually located on the outskirts of the city. And this is actually very, very far. And when I reached there, वहाँ पे अलग से एक entry fee आपको pay करनी पड़ती है, which is of 800 rupees. But अगर आप बहुत ज़्यादा वाला budget हो, तो I would ask you to skip Choki Dhani, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा दूर है, आपके travel में भी पैसे जाएंगे, ऊपर से entry fee भी भरनी पड़ेगी, and आप पूरी थाली खा नहीं पाओगे. उससे अच्छा मैं आपको और एक place बताऊंगी आगे video में, जहाँ पे आप थाली try कर सकते हो. जयपुर जिस दिन मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, आई गेस मैं 5:30 को उठ गई थी एंड आई स्टार्टेड माय डे एट 6:30 बिकॉज आई रियली वांटेड टू रीच पत्रिका गेट बिफोर 8 o'clock, क्योंकि इतनी ज्यादा फेमस लोकेशन है. यहाँ पे लिटरली लोग प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए आए थे एंड मेरे सामने प्री वेडिंग उनकी फोटोशूट भी होने वाली थी एंड लकीली उससे पहले मैं फोटो ले चुकी थी. अभी यहाँ पे आपको कोई भी एंट्री फी नहीं देने पड़ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप इतने सारे अमेजिंग फोटोज आप वहाँ पे ले सकते हो. वहाँ पे मैंने ये वाला आउटफिट पहना था ब्लू एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये कलर पहना, क्योंकि मैं सारे लोकेशन देख के गई थी. यहाँ पे येलो कलर मत पहनना क्योंकि येलो कलर के ही सारे वॉल्स है तो फोटोज में पॉप नहीं आएंगे. मेक श्योर यू वेयर कलर्स लाइक ग्रीन, पिंक एंड ब्लू. अभी पत्रिका गेट से निकलने के बाद आई वेंट टू दिस वेरी प्लेजेंट प्लेस कॉल्ड बिरला मंदिर. आई थिंक यू शुड नॉट मिस बिरला मंदिर क्योंकि इट इज सो सीरीन एंड काम एट द सेम टाइम. एज सून एज यू एंटर, जो वाइब्रेशन है वहाँ पे आर समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट. मुझे इतना काम एंड कम्पोज फील हुआ वेन आई रीच देयर एंड पूरा जो मंदिर बना हुआ है इज इन द कलर व्हाइट. एंड वहाँ पे इतनी ज्यादा ठंडी है, एक्चुअली इतनी ज्यादा धूप आ रही थी मेरे पे, बट स्टिल मुझे इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि पूरा जो टेम्पल है वो मार्बल से बना हुआ है. आई वुड हाईली रिकमेंड यू गोइंग टू बिरला मंदिर इफ यू आर इन जयपुर. बिरला मंदिर से निकलने के बाद आई वेंट टू दिस वेरी फेमस प्लेस कॉल्ड गुलाब जी चाय वाला, विच आई वुड हाईली रिकमेंड क्योंकि यहाँ की चाय वॉज सो सो गुड. एंड बन मस्का मैंने ऑर्डर किया था, इवन मैगी बहुत ज्यादा यम थी, वेज मैगी मैंने ऑर्डर की थी. और उसके बाद आई वेंट टू दिस वेरी फेमस प्लेस विच आई वुड हाईली रिकमेंड एंड आई विल टेल यू वाई, बिकॉज इट इज लस्सी वाला. अभी आई वॉज नेवर अ लस्सी पर्सन, बट वेन आई हैड दिस लस्सी आई फेल इन लव एंड आई रियली वुड वॉन्ट टू गो बैक टू जयपुर जस्ट टू हैव दिस लस्सी. अभी जयपुर में बहुत सारे लस्सी वाले हैं तो उनका जो एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगी सो दैट यू डू नॉट मिस दिस प्लेस. उसके बाद द रेस्ट ऑफ द डे वॉज फॉर बापू बाजार एंड जोहरी बाजार, जहाँ पे मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, जिसका फॉल वीडियो देखोगे आई थिंक नेक्स्ट वो आ जाएगा मेरे चैनल पे. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो. अभी जोहरी बाजार में ही आ जाता है LMB, विच इज लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, जहाँ पे आप थाली खा सकते हो. बट मैं बहुत ज्यादा फुल थी एंड मुझे थाली खाने का मन नहीं था उस दिन, क्योंकि ऑलरेडी मेरी अमेजिंग लस्सी पीने के बाद आई वॉज सो सो फुल, इसलिए मैंने थाली ऑर्डर नहीं की थी. बट थाली यहाँ पे आपको मिल जाती है वो 665 rupees. इसमें आप 2-3 लोग आराम से खा सकते हो क्योंकि इतनी बड़ी थाली आती है. मैक्सिमम लोग यहाँ पे थाली ही ऑर्डर कर रहे थे. मैंने अपना डे टू एंड किया बाय वॉचिंग हवा महल का नाइट व्यू. Started my morning by going to Amir Fort. अभी Amir Fort के ही आगे Jagar Fort आता है, उसके बाद आता है Nahargarh Fort, which is again a very very beautiful place. And Amir Fort में actually हुई थी Jodha Akbar की shooting, which again is a very aesthetic place. I think you should take a lot of pictures there. I would recommend कि अगर आप Amir Fort जा रहे हो तो wear something like pink, तो blue पहन सकते हो, green पहन सकते हो. Again ये सारे colors मैं आपको recommend करूँगी if you are going to Amir Fort. निकलने के बाद मैं गई थी पन्ना मीना का कुंड, जो अगेन आमिर फोर्ट से काफी ज्यादा करीब है. एक्चुअली ज्यादा क्लिप्स यहाँ पे ले नहीं पाए क्योंकि उनकी शूटिंग चल रही थी यहाँ पे. बहुत सारे स्टेप्स है बीच में एंड एक्चुअली नीचे जाना अलाउड नहीं है, बट दे वर शूटिंग तो शूटिंग के लिए लोगों ने अलाउ किया था वो. एंड रिटर्न आते हुए आई सॉ जल महल. मैंने एक्चुअली ऑटो से इसका क्लिप ले लिया था. तो जल महल आपको रास्ते में मिल जाएगा तो आप वहां पे भी जा सकते हो. इसके बाद मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी सो आई वेंट टू दिस फेमस कैफे कॉल्ड टपरी सेंट्रल. बट गाइस दिस इज वन प्लेस आई वुड रिकमेंड कि आप स्किप कर सकते हो इफ यू आर ऑन अ बजट. आई फील कि वहां पे जो चाय थी वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव थी. मैंने कोल्ड कॉफी ऑर्डर की थी, चाय भी ऑर्डर की थी एंड गार्लिक ब्रेड भी ऑर्डर किया था. अननेसेसरी खर्चा किया मैंने वहां पे. बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप बहुत ज्यादा ऑन अ बजट हो, यू कैन ईदर स्किप दिस प्लेस या तो सिर्फ चाय ऑर्डर करना, क्योंकि उसके बाद आपको पार्ले जी बिस्किट फ्री मिल जाती है, तो आप साथ में खा सकते हो एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी देयर एज वेल. एंड टपरी सेंट्रल में उनकी जो फेमस डिश है दाल पकवान, वो मुझे डेफिनेटली खानी थी. बट आई थॉट कि इसके बाद मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस कवर कर ली थी एंड आई विल गो टू रावत मिष्ठान भंडार, जहाँ पे मैंने प्याज की कचौरी खाई, विच वॉज सुपर यम्मी. ज्यादा ऑयली नहीं लगी मुझे कचौरी एंड दैट इज समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट.
एंड आई एंडेड माई डे बाई ईटिंग सम वेरी यम रबड़ी एट जौहरी बाजार। जयपुर, अगर आप जयपुर जा रहे हो फॉर 2 to 3 days तो आपके ऑलमोस्ट 5,000 to 6,000 खर्चे होने चाहिए। एंड अगर आप कुछ कुछ प्लेसेस स्किप करो तो और भी इनएक्सपेंसिव हो जाएगी आपकी ट्रिप। एंड मेक श्योर यू वेयर योर इंडियन आउटफिट। आई हैड सच अ फन टाइम ट्रैवलिंग इन ऑल माय इंडियन आउटफिट्स इन जयपुर। एंड आई कैन फाइनली स्टार्ट पोस्टिंग पिक्चर्स ऑन माय इंस्टाग्राम, सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। I will see you next time with another video. Bye.